जानना चाहते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में, तो आइए आपको बताते हैं। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब कुछ भला, और जब भी भला करने की बात आती है तो सबसे पहले SBS Originals ही आगे रहता है, फिर चाहे किसी शो का आरंभ हो या फिर उसका सुखद अंत, या फिर season 2, season 3, season 4, season 5, क्या पता season 2 आ जाए, that'll be amazing। क्योंकि अब तो ये पूरी दुनिया जानती है कि OTT की दुनिया की सारी खबरें मिलती हैं सिर्फ यहाँ, और कहाँ। तो जनाब तैयार रहिए, क्योंकि आज केस बनेगा और जरूर बनेगा। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा केक नहीं, केस नहीं, बल्कि इस केस को जीतने के लिए आपको सिर्फ एक ही कला आनी चाहिए, और वो है पेट पकड़कर जोर जोर से ठहाके मारना और दिल खोलकर हंसना। Amazon मिनी टीवी के शो केस तो बनता है कि शूटिंग के आखिरी दिन पर जब हम पहुंचे तो कटघरे में थे रितेश देशमुख, वरुण शर्मा, कुशा कपिला, सिद्धार्थ सागर, सुगंधा मिश्रा और परितोष त्रिपाठी। और जब कॉमेडी की दुनिया के इतने बड़े महारथी एक साथ हमारे सामने आए तो मस्ती तो बनती ही है। किससे ज्यादा इंप्रेस हुई, इन्फ्लुएंस होकर? इससे ज्यादा इंप्रेस हुई जब करीना शो पे, ये तो था, मतलब ये तो ऐसी थी, करीना आई है, करीना आई, शो भी तो आया, वो भी। सबसे कमाल की बात ये, इन दोनों की इतनी सादगी से बात करते हुए पहली बार ही देख रहा हूँ। हाँ, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, जब शो देखेंगे आप तो मतलब मुझे लगता है कि सारे केसेस तो इनपे बनेंगे, इनको हाय बोलते हैं, सामने से चार बेइज्जती आ जाती है। बेइज्जती.com के फाउंडर है दोनों, खानदान भी होगा। वैसे इस मौके पर सिद्धार्थ सागर ने अपनी वही पुरानी लेकिन दमदार नसीर साहब वाली छोटी सी झलक भी हमें दिखाई। मैडम एक मिनट, मैं ये पूछ रहे हैं कि आपका शो कैसा गया, शानदार था, कैसा था, मजा आया कि नहीं? जी प्लीज, मजा आया मैडम की तरफ से, बहुत मजा आया, वी एंजॉयड, वी हैड फन। अरे मुझे तो बोलने दो। नहीं मैडम, मैं बॉडीगार्ड हूं, प्लीज प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन। तो मैडम को बहुत मजा आया, थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज। आप सोच रहे होंगे कि ये ही क्यों, कैसा बॉडीगार्ड है, एक्चुअली इसने मुझे 20,000 रुपए दिए इसकी मालकिन बनने के लिए। और मैं भरूंगा मालकिन, मैं भरूंगा मालिक, मालकिन का मालिक, मालिक। तो ये है हमारा एंटरटेनमेंट का पैकेज सिद्धार्थ, जैसे कि आप जानते ही हैं इनको, और ये अभी बने हैं नसीर जी, जो इनका आइकॉनिक कैरेक्टर है, और मैं तो अपने मल्टीपल पर्सनैलिटीज डिसऑर्डर के साथ इस शो का पार्ट हूँ। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है हम लोग तो बहुत, मतलब कि बचपन से, जब ये बहुत बड़ा था, मैं छोटी थी तब से काम करें, तो ऐसा लग रहा है कि कितना भी साथ में काम करें उतना कम है। और ये हमेशा बहुत मज़ा आता है सुगंधा के साथ, तो हमारे बचपन में छोटे मियाँ बड़े मियाँ रहे हैं हम। yes. और मुझे बड़ी खुशी है सुगंधा के साथ हमने ये सीजन किया, बहुत मज़ा आया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन इस शो में कितने दम वाली बात है ये आपको जल्द ही बताएंगे SBS Originals रिव्यू में, क्योंकि वहां पर कोई फेवरिज्म नहीं, जो कुछ होता है अनबायस्ड। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब जरा टेस्ट लिया जाए, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, किसका भाई, उनका जो इन दिनों स्पाई बहू में नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सहबान और सना की, आखिरकार दोनों का तालमेल कैसा है जान लेते हैं। Mumbai for her and Delhi for Saiban. Mutton. Mutton.
I like all block colors. I mean, Sehwan likes yellow, blue. One of my favorite colors. Actually, हम दोनों की problem हमारा कोई एक favorite नहीं है. इन सारी there are few things like movies, actors, music and colors. इसमें हमारे हैं थोड़े बहुत. You can't really pick one and say that this is my favorite. I don't know how people do that. हमसे ना हो पाता है. Weird habit तो कुछ नहीं है. पूरी वियर्ड है. कोई नॉर्मल हैबिट बतानी पड़ेगी वियर्ड कोस्टार की. एक वियर्ड वियर्ड भी नहीं है एक्चुअली, फनी है. जब ये हंसती है तो, जब ये बहुत ज़्यादा खुश होकर हंसती है तो एक अलग सी क्विकिंग साउंड आती है, कुछ ग्रंट टाइप. सेबान की वियर्ड आदत है वो बात करते करते खो जाता है कभी कभी. ही गेट्स लॉस्ट. He doesn't understand मैं कहाँ हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, हम क्या बात कर रहे थे. वो लॉस्ट हो जाता है. जो वियर्ड लगती होगी दूसरों को, बट आई अंडरस्टैंड. इट्स हिज रेस्टिंग डॉग फेस. फोन, कॉफी. हम दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही हम्बल और बहुत ही बिजी लोग हैं. हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन फिल्म सिटी में. ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और यहीं शुरू हो रही है आजकल तो ऐसा. बहुत सारी जगहें जो मैंने देखी नहीं है तो फेवरेट हो नहीं सकती हैं. जो मुझे देखनी है तो मैं उनको फेवरेट कैसे बोल सकता हूँ. वरना मैं लोनावला बोलूँगी तो आप हंसोगे ना मुझ पर. सेहबान का नाम सेहबान ही है उसके घर पर. नहीं, मजाक में भाई इसको चना बोलते हैं, इतना पता है मुझे. दिल मिल गए. स्प्लिट्स विला. यस. एक्सक्यूज मी, आई एम लॉयल टू माय फ्रेंड एंड आई विल नॉट डिस्ट्रॉय हिज. डिस्ट्रॉय बता दे तू यार. अब बता ही बता दे तू. मैं भी डिस्ट्रॉय होना चाहता हूँ, बता दे. सेहबान का सीक्रेट जो दूसरों को नहीं पता है. सेहबान बहुत इमोशनल इमो है थोड़ा लड़का. जो आई डोंट नो कितनों को पता है. मुझे नहीं पता थी ये बात. एक्चुअली व्यूअर्स और सबको नहीं पता होगा, क्लोज फ्रेंड्स को पता है कि सना बहुत एंटी सोशल है. और शेल में चली जाती है अपने और शी इज़ कम्फर्टेबल देयर. लोगों को लगता है कि बहाने बना रही है कुछ, बट ऐसा नहीं है. शी इज़ यूजुअली कम्फर्टेबल. आई एम जनरली ओनली कम्फर्टेबल विद माय फ्रेंड्स अराउंड. थैंक यू. बाय. बच्चों, अब वक्त हो गया है आज के विचार का. याद है आपको स्कूल में किस तरह हर किसी को ड्यूटी मिलती थी बाय रोटेशन ऑफ कोर्स कि आप बताएंगे थॉट ऑफ द डे. अब भैया क्या करें, हमारे सेगमेंट में ना स्कूल की यादें तरोताजा हो ही जाती है. लेकिन हियर आप अलाइन कर सकते हैं अपने विचार सितारों के साथ. देखिए कैसे. हाई, दिस इज सना सैयद और हम SBS ओरिजिनल्स के साथ ये सेगमेंट खेलने वाले हैं जिसका नाम है थॉट ऑफ द डे. मेरा थॉट ऑफ द डे है ईट स्लीप वर्क रिपीट. एक्चुअली ये कोई थॉट नहीं है, बट सिंस वी वर्किंग और हमारा लाइन ऑफ वर्क ऐसा है कि हम काफ़ी हेक्टिक काम करते हैं, तो फिलहाल लाइफ में यही चल रहा है, ईट स्लीप वर्क रिपीट. एंड ऑल्सो आई डू लव, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जो काम मैं करती हूँ और इसलिए मुझे उसमें मज़ा आता है. तो मेरा मोटो यही है कि सो अच्छे से खाओ पियो और रेस्ट करो, अपने काम पे ध्यान दो और वही चीज़ वापस रिपीट करो. मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं बट राइट नाउ माय थॉट ऑफ द डे इज़ ईट स्लीप वर्क रिपीट, क्योंकि हमारे पास काम का काफ़ी प्रेशर है और बहुत सारा वर्कलोड है. सो दैट्स माय करंट थॉट ऑफ द डे.
शब्द लेते ही ना वो टिपिकल मेले वाली फोटो आ जाती है जहाँ जायंट व्हील्स होते हैं और अलग अलग झूले होते हैं और ढेर सारी शॉपिंग होती है। वैसे तो एक फिल्म भी याद आती है जो ट्विंकल खन्ना बिल्कुल याद नहीं करना चाहती, लेकिन आज जिस मेले की बात कर रहे हैं वहाँ तो भैया आपको अच्छे अच्छे स्वाद मिलने वाले हैं, क्योंकि खाने का मेला लगा है और यहाँ पर है ढेर सारा अपनापन। जहाँ मन का मेला होता है वहाँ छोटे बड़े झूले, खेल और खिलौने होते हैं, लेकिन जहाँ अन्न का मेला होता है वहाँ तरह तरह के पकवान होते हैं, जैसे कि आज निक ने फूड मेला का आयोजन किया है जहाँ पल्लवी और उसके बच्चे सिर्फ यही नहीं बल्कि मेहमान और साथ साथ मीडिया कर्मी को भी बुलाया गया है ताकि निक का प्रमोशन हो सके। ये ऐसा है कि रेस्टोरेंट नया नया खुला है तो जर्नलिस्ट को सब बुलाया है कि ताकि हमारी अच्छी मार्केटिंग हो, पब्लिसिटी हो, तो इसलिए उनको खाना खिलाना है हमें एक्चुअली। बरसात का मौसम हो और फूड मेला में चटपटी चीजें ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? बहुत कुछ है, क्या नहीं है आज हमारे पास। और ये देखिए, ये दही बड़े हैं और ये कांदा भजी है मानसून स्पेशल, और ये क्या है, ये आई थिंक ये रबड़ी है इसमें, और बहुत कुछ बनाया है आज। फूड मेला लगा हुआ है तो हमारे बहुत मज़े हैं आज। ऑलरेडी दो खा चुकी हूँ मैं इसमें से, क्योंकि बारिश है और गरम समोसे है तो आप खुद को मना तो नहीं कर सकते, ये मैंने खा लिया। और हमारी सारी जो सारे एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ, ये देखिए ये चाट पूरी ये भी है, तो आज बहुत मज़े हैं हमारे और बहुत कुछ खाया है हमने। ये रोल है, फ्रूट्स वूट्स तो चलो रखे, हाँ सबसे बेस्ट ये देखिए, ये तो आप इसे कैसे मना कर सकते हो भाई जलेबी को, तो बहुत कुछ है आज हम लोगों ने बहुत खाया है, बहुत ही। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कार्यक्रम में तड़का तब लग गया जब जर्नलिस्ट ने निक से बच्चों की कस्टडी को लेकर सवाल पूछना शुरू किया, जिसके कारण फूड मेले में झमेला हो गया। और सर... कोई भी पर्सनल सवाल आपको पूछना है उसका जवाब मैं दूंगी, क्योंकि सारे सवाल तो मुझसे रिलेटेड होंगे, है ना? यहाँ पे निक को बहुत ही उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, पर एज़ यू नो कि पल्लवी हमेशा सेवियर बन के आ जाती है, तो इस बार भी पल्लवी ने निखिल को बचाया। जर्नलिस्ट मौका मिलते ही चौका मारते हैं, खैर घर की लड़ाई घर के भीतर रहे तो अच्छा है, वरना रिश्तों का जब मेला लगता है तो वहाँ लोग मजा चखने के लिए बस इंतजार ही करते हैं। अब बच्चे किसकी कस्टडी में होंगे वो बात की बात होगी, लेकिन निक पल्लवी आप एक हो जाएं तो सारा मामला ही सुलझ जाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। आओ बहन कुछ चुगली करें, कुछ मजेदार बातें करें और दिल का बोझ थोड़ा कम करें। खैर आप अपनी मजेदार चुगलियां सेव इट फॉर द इवनिंग, लेकिन फिलहाल सुनिए चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई मैं आ गई, सबसे पहले चुगली लाई हूँ इमली के आदित्य यानी कि गश्मीर महाजन की। गश्मीर झलक दिखला जा के नए सीजन में अपना डांसिंग टैलेंट दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ साड़ी पहन के पेड़ पे चढ़ने का टैलेंट इमली ने भी खूब दिखाया। सर यहाँ पे पैर रखने की जगह इधर ही है, सामने आऊंगी ना, इधर मेरे साड़ी से पैर निकालना, ये वाला। इमली का टैलेंट तो मैंने देख लिया, अब कश्मीर का डांसिंग टैलेंट देखने का इंतजार है मुझे। अगली चुगली लाई हूँ जानवी कपूर की। ऐसा लग रहा है कि जानवी कपूर को टीवी की नागिन भा गई है।
इसीलिए तो देखिए ना, जानवी ने नागिन के डायलॉग को रिक्रिएट किया है। तुम आधी रात को वॉक कर रहे हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं। Oh. और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसीलिए वॉक करती हूँ। जानवी, कहीं आपका टीवी पर आने का इरादा तो नहीं? अगली चुगली लाई हूँ इंडियाज लाफ्टर चैंपियन की। शो की होस्ट रोशेल राव ने एक ट्रेंडिंग रील शेयर की है, जिसमें इस वीकेंड के स्पेशल गेस्ट सुनील ग्रोवर और शो के जजेस अर्चना पुरन सिंह और शेखर सुमन है। ये चुटकी वाली रील तो बड़ी मजेदार है। चलिए अब बात करते हैं उनसे जो रील्स में हो रहे हैं सुपर पॉपुलर। बहरहाल इनका एक नया म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है ना, ऑफकोर्स जब उनका गाना आएगा तो हम विस्तार से आपको वीडियो दिखाएंगे भी और उनसे मुलाकात करेंगे भी। वैसे मुलाकात तो आज भी करेंगे, जी हाँ, वत्सल सेठ और उनकी वाइफ इशिता से, और जानेंगे कि ये जो सुपर कूल रील्स बनाते हैं तो वो कैसे। हाय गाइस, तो SBS ओरिजिनल्स के साथ आज हम बनाने वाले हैं रील। आज मैं पहली बार सबको कहता हूँ कि आपको रील्स बहुत पसंद आती, मजा आता है, पर आपको पता है आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं रील, ओके? और फिर आप भी बनाएंगे ऐसी रील। SBS Originals में आज एक तरफ होगा रील्स का किंग, तो उसे साथ मिलेगा किसी और का नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ क्वीन का। वत्सल सेठ और इशिता, ये दोनों जितने कमाल के एक्टर्स हैं उससे ज्यादा धमाल ये अपने रील्स के जरिए करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। और आज SBS ओरिजिनल्स में वत्सल और इशिता आपको ये बताएंगे कि कैसे बनती है उनकी मजेदार रील्स, और अगर आप चाहें तो इनसे इनकी रील्स की सीक्रेट टिप्स भी सीख सकते हैं। हाय गाइस, तो SBS ओरिजिनल्स के साथ आज हम बनाने वाले हैं रील ऑनर सॉन्ग कुछ तुम्हारा। एंड हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं रील, ओके? और फिर आप भी बनाएंगे ऐसी रील, ओके? इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होते, सो स्क्रिप्टिंग करते हैं हम लोग, फिर डायलॉग्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको डब करते हैं, रीडअप करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर शूट करते हैं, एडिट करते हैं, सो दे नॉट वेरी इजी टू मेक। Thank you.
जैसे कि आपने देखा इस तरह से हम रील बनाते हैं, काफ़ी सारे टेक्स रीटेक्स होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगो, और जैसे मैंने कहा आप प्लीज़ जाके गाना देखिए कुछ तुम्हारा कुछ हमारा, और ऐसी मज़ेदार रील्स बनाइए। वजह तुम हो। जी हाँ, प्रथा तो अब यही कह रही होगी कबीर को। वो क्या है ना, देखिए अभी अभी शादी हुई और सुहाग रात के मोमेंट पर ही बेचारी प्रथा टेंशन में आ गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, कबीर है ना उनके मुस्कुराने की वजह और उनके टेंशन दूर करने वाले। अब हम कथा नहीं बल्कि गाथा कहेंगे, क्योंकि ससुराल में तो उसे यही नाम दिया गया है ना। कबीर और गाथा की शादी हो गई है। शादी के बाद ससुराल में गृह प्रवेश भी हुआ, तो अब बारी आई सुहागरात की। लेकिन सुहागरात में ये दुल्हनिया ना बहुत टेंशन में लग रही है। अब उसने इस घर में युवराज को देख लिया है तो उसे 440 का झटका लग गया है। ये वही युवराज है जिसने गाथा की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब गाथा को जब ये पता चला कि युवराज तो कबीर का छोटा भाई है, फिर क्या वो एकदम सदमे में आ गई। डरी हूँ, गुस्से में हूँ, शॉक में हूँ, डिसबिलीफ में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि जो मेरा गुरेगा है, जिसने मुझे माँ बनाया है, वो मेरा देवर ही होगा। तो वो शॉक में हूँ मैं अभी। यस, फाइनली आई वॉज हैप्पी कि मैं शादी कर चुकी हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अफ्रेश। लेकिन युवराज आके सब माथा पच्ची कर देता है। अब रिश्तों की भंवर में वो उलझ गई है, ठीक वैसे जैसे उसका दुपट्टा कबीर की शेरवानी में उलझ गया है। गाथा जानती है कि वो एक सच्चा इंसान है, लेकिन उसका भाई जो कि बहुत ही घटिया है, उसकी सच्चाई क्या गाथा बता पाएगी कबीर को। अब देखिए अगर उसने ऐसा कर दिया तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो फिलहाल इतनी जल्दी तो कुछ नहीं बताएगी कबीर को गाथा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ना, खुद ब खुद कबीर को ही पता चल जाएगा युवराज की सच्चाई का। लेकिन उसके लिए ना अभी वक्त है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई एक नन्नी सी जान घर में क्या आती है, घर का माहौल बदल जाता है। उसकी हंसी की किलकारी हो या फिर रोने की आवाज, घर वाले मानो उंगलियों पर नाचते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल पंड्या स्टोर में, जहाँ बहुत खुश है इस बच्चे के आगमन से लोग, वही सुपर बिजी भी हो गए जनाब।
बच्चा जब घर में आता है ना, तो उस बच्चे के साथ साथ घर के सभी सदस्य भी बच्चे बन जाते हैं। उसे संभालने के लिए, उसे खिलाने के लिए, उसे सुलाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यूँ तो पंड्या परिवार में बहुत जल्द ऋषिता का बच्चा हो जाएगा, लेकिन उसका बच्चा हो उससे पहले घर में एक और नन्हा मेहमान आ गया है। अब वो नन्हा मेहमान इस घर में कैसे आया वो तो आप देख ही चुके हैं, तो अब वो देखिए ना जो आप देखना चाहते हैं। धरा कितने प्यार से इस बच्चे का ख्याल रख रही है, तो वहीं रावी और ऋषिता भी जान छिड़क रहे हैं इस मासूम बच्चे पर। शिवा और गौतम तो मानो एकदम छोटे बच्चे बन गए हों। तो वहीं सुमन माँ आज खुद को दादी समझ रही है। एक छोटे से बच्चे ने सबको काम पर लगा दिया है। अब इस बच्चे को लेकर सब खुश हैं, लेकिन जब ये बच्चा अपनी असली माँ के पास चला जाएगा तब इन सब का क्या होगा, ये सवाल गौतम को सता रहा है। जब वो देखता है कि धरा के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है बच्चे को लेके, तो गौतम को लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चा तो किसी और का है, हमारा बच्चा है नहीं है। तो कल को ये बच्चा जब जाएगा तो बहुतों के दिल टूटेंगे। लेकिन गौतम टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बच्चा आया है ना तो अपनी किस्मत लेकर आया है। अब इस घर में एंट्री ली है तो कोई ना कोई लेना देना तो होगा इस घर से। अब वो क्या होता है और किस तरह से क्या निखर के आता है वो मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, वरना मैं हिंट दे देता। बट जो भी, एक बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर हो गया, एक बच्चा सेट पे आया है और अब देव ऋषिता का बच्चा भी आएगा तो एक और बच्चा सेट पे आएगा, तो कुछ एक ब्रेक मिल जाएगा आई थिंक पंड्या स्टोर को, थोड़े बच्चों की एंट्री हो रही है। शिवा ने कहा ना कि कुछ तो कहानी है इस बच्चे की इस घर में, तो वो कहानी अब शुरू हो गई है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आप अगर कभी भी किसी एक्टर की लाइफ स्टोरी सुने ना, तो जीवन की इस जर्नी में वो एक बात कहीं ना कहीं जरूर कहते हैं कि उन्होंने एक्टिंग का ये प्रोफेशन इसलिए चुना क्योंकि उनको इतनी वैरायटी शायद ही किसी और प्रोफेशन में मिले। हर दिन कुछ नया करने की इच्छा होती है, चाह होती है, अलग अलग किरदार निभाने का मन होता है। लेकिन जब एक एक्टर को इसी में चूज करना पड़े, जी हाँ, वैरायटी में चूज करना पड़े कि या तो आप ये कर सकते हैं या वो, तो कलाकार का वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, वही डगमगा जाता है। हम बात कर रहे हैं पारस कलनावत की। जी हाँ, इनको आप समर के रूप में अनुपमा में देखते हैं और क्या खूब किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अब झलक के मंच पर दिखने जा रहे हैं और ऐसे में इनको भी ये चॉइस करनी पड़ी। मैं ये चीज़ पे कोट नहीं करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही किया या गलत किया, जिस तरीके से लाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से लाई गई है, जो बिल्कुल सच नहीं है। मैं जो भी कोट किया है शायद उनके नज़रिए से वो सही होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ हर्ट की है क्योंकि मुझसे बात भी नहीं की गई थी। दीज आर द सेम मेकर्स, दीज आर द सेम पीपल, सेम प्रोडक्शन टीम, जो हर किसी को मेरी तारीफ करता था कि द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर ऑन सेट वाज पारस कलनावत। ऐसा क्या हुआ कि he had to, you know, say something like this against me. जो एंड है वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। एक एक्टर हमेशा से ये चाहता है कि चलिए कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, जिसमें खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिले और जब दर्शक देखे तो उन्हें भी लगे कि हाँ, अब इसने कुछ नया किया है। कुछ ऐसी ही चाह रखी है पारस कलनावत ने, जो जुड़ गए हैं अब एक नए प्रोजेक्ट झलक दिखला जा डांस रियलिटी शो के साथ। अब कहीं न कहीं एक्टर ये जरूर जानता है कि जब वो किसी एक शो से जुड़ा होता है ना, और उसे छोड़ने के बाद ही नए शो से वो जुड़ सकता है, तो यकीन मानिए ये तय करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी एक्टर के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं हर एक जर्नी ख़त्म तो होती है, देयर इज़ एन एंड टू एवरी बिगनिंग।
और जो एंड है वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। सो एक खूबसूरत जर्नी थी जो कि एक अंत पे आ गई है, जो ख़त्म हो गई है। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है ये चीज़ को एक्सेप्ट करना कि एक इतना खूबसूरत किरदार जो मैंने 2 साल निभाया वो ख़त्म हो गया है मेरे लिए। प्रिपरेशंस तो शुरू हो चुकी है झलक दिखला जा के लिए, एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो मैंने एक्चुअली अब तक रियलिटी शोज़ किए ही नहीं, लेकिन जो ऐसा रियलिटी शो है जिसके लिए मैं बचपन से वेट कर रहा हूँ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि शायद ये डेस्टिनी में था कि इससे पहले जो मैं शो कर रहा था उसमें भी मैं डांसर का किरदार निभा रहा था। और मैंने जब एक्टिंग करने का सोचा तो सबसे पहली चीज़ मैं मुंबई में आके डांस अकेडमी ही ज्वाइन की थी मैंने टू लर्न बेसिक्स। लेकिन इसके बावजूद फैसला तो लेना होता है, और जब फैसला लिया जाता है तो उसके बाद शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। राजन सर ने कहा और जो भी मैसेज दिया गया है ऑडियंस को अबाउट मी एंड माय कैरेक्टर एंड माय मतलब कैरेक्टर और मी बीइंग टर्मिनेटेड फ्रॉम द शो, दिस इज समथिंग विच आई चोज फॉर माई सेल्फ। आई ऑनेस्टली चोज झलक दिखला जा ओवर अनुपमा विच इज़ नंबर 1 शो राइट नाउ, बट डेफिनेटली मैं जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर अपना 100% दूंगा। सो झलक दिखला जाए समथिंग विच आई एम एमिंग फॉर, एंड डेफिनेटली मैं ये चीज़ पे कोट नहीं करना चाहता हूँ कि उन्होंने सही किया या गलत किया। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे मेकर से राजन सर से, एंड उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने जो भी कोट किया है शायद उनके नज़रिए से वो सही होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ हर्ट की है क्योंकि मुझसे बात भी नहीं की गई थी इस बारे में कोई, एंड मुझे कुछ पूछा भी नहीं गया था, मुझे कुछ बताया भी नहीं गया था इस बारे में। इट वॉज जस्ट समथिंग वेयर आई हैड टू चूज समथिंग एंड आई चूज। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला फिलहाल कोई नहीं कर पाता, इसीलिए इस बात को एक अच्छे नोट के साथ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना बहुत छोटी है। एक शो खत्म होता है तो अगले शो में न जाने हम फिर कब मिल जाएं। ये चीज़ कुछ एक अलग तरीके से भी की जा सकती थी, एक अलग तरीके से ऑडियंस के सामने लाई जा सकती थी, बिकॉज जिस तरीके से लाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से लाई गई है, जो बिल्कुल सच नहीं है जिस तरीके से उन्होंने मुझे बोला है। दीज आर द सेम मेकर्स, दीज आर द सेम पीपल, सेम प्रोडक्शन टीम जो हर किसी को मेरी तारीफ करता था कि द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर ऑन सेट वॉज पारस कलनावत। This was being told to everyone and I think every person on set would agree to this because ये सारी चीज़ें actors के सामने कही जाती थी, and the same actor being told that this is unprofessionalism is something I did not want to quote about and let's see, I would just like to meet Rajan sir someday and just wanted to clear it off with him that what exactly went wrong and ऐसा क्या हुआ कि he had to you know say something like this against me. But I still have that love and respect for him because he has given me this opportunity where I became a household name. And I'm starting my new journey and I would definitely want his blessing as well. Because मैंने ये तो सुना है कि राजन सर दिलदार है, तो कहीं ना कहीं यू नो अगर उनकी भी ब्लेसिंग साथ हो तो आई गिव माई 100% there as well. यू नो अब झलक दिखला जा तो मैंने ऑलमोस्ट सारे seasons देखे हुए हैं। आई थिंक बैक देन वैसे तो बहुत सारे मेरे फेवरेट्स रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो जिया मानेक ऑल्सो डिड वेरी वेल व्हेन शी हैज़ जॉइंड झलक दिखला जा। सो मैं किसी ऐसे स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगा बिकॉज दे ऑल हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड बीइंग अ नॉन डांसर एंड कमिंग टू अ डांस रियलिटी शो इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग। तो जो भी इस शो का पार्ट बनता है उसके लिए ये चीज़ ऐसी है कि यू नो ये उसके लिए एक नई चीज है। और फिर वो गाना भी तो है ना कि हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो पारस झलक दिखला जा के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और हाँ उम्मीद करेंगे कि झलक के बाद आपसे मुलाकात जरूर हो एक नए प्रोजेक्ट के साथ। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारी सिमर बहू, आई टेल यू शी कैन डू जस्ट अबाउट एवरीथिंग। फिर सिमर बहू क्या, टीवी की हमारी हर बहू सुपर बहू होती है जी, सब कुछ कर देती है। लेकिन सिमर बहू के कंधों पर, मेरा मतलब है कि हाथों में कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी दी गई है। अब घर में हो रही है पूजा, पूजा में लग जाती है आग। तमाम पुरुषों के होने के बावजूद आग बुझाने की जिम्मेदारी किसने उठाई? ऑफकोर्स सिमर बहू ने। चाची जी। कुछ होगा,
फिर सिमर के ससुराल में आग लग गई है। अब जब ससुराल सिमर का हो और आग उसी के ससुराल में लगी हो तो आग बुझाने की जिम्मेदारी भी तो सिमर की होगी ना। तो देखिए इस सुपर बहू रानी ने कैसे अपने हाथों से आग को बुझाने की कोशिश की। मानना पड़ेगा सिमर आपको, यूं ही थोड़ी बड़ी माँ आपको पसंद करती है। आपका ये हाथों से आग बुझाने का हुनर तो एकदम सुपर हिट है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आपने चित्रा माँ की जान बचाई, लेकिन बेचारी बचाने वाली सिमर को क्या पता था कि ये पूरा इल्जाम तो उसी के ऊपर आ जाएगा। आग लगाई मैंने किसी और के लिए थी, बट समहाउ कहीं और लग गई है। एंड ये तो पहली आग है, आगे आगे आप देखिए बहुत सारी आगे लगाऊंगी मैं। हाँ भाई, ये नई नई बहू रानी आई है ना, जिसका नाम इशिता है, घर वालों के नजर में अच्छी बहू बनने के लिए उसने भी तो क्या कमाल किया। सवेरे सवेरे उठ गई, माता रानी के सामने प्यारा सा भजन गाकर वो आरती कर रही है। इशिता का ये रूप देखकर घर वाले भी चौंक गए, फिर अचानक से वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पत्थर वाली माँ। इशिता ने अपने कानों में ईयरपॉड्स लगा रखे थे, जहाँ से वो आरती सुन सुन कर गा रही थी। अब एयरपॉड नीचे गिरा और उसके बाद हुआ खुलासा, बड़ी माँ ने तो एक क्लास ही ले ली इशिता की। देखो शादी होती है तो मैं तो क्या कोई भी चेंज होता, और अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तरकीबें, कुछ ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए। सो बीइंग इशिता एंड बीइंग अ मैरिड इशिता वो ट्राई कर रही है। हाँ देख लिया है, बट उसका ये प्लान नहीं था, उसे लगा था सक्सेसफुल होगा बट हुआ नहीं समहाउ। अब आगे आई थिंक ऐसा है कि पता तो चल गया है बट वो डरेगी नहीं मे बी, एंड और ज़्यादा कम बैक करेगी, अपना कुछ नया दूसरा तरीका अपनाएगी जो आप आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। खैर अब सिमर के ससुराल में नई ड्रामा क्वीन आई है। एक ड्रामा क्वीन तो पहले से ही थी, अब ये सास बहू मिलकर बहुत सारे ड्रामे करेंगी। तो सिमर तैयार रहना, क्योंकि आपके ससुराल में ना बहुत कुछ अब होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया थर्सडे का है ये दिन और थर्सडे के दिन आती है रिपोर्ट कार्ड टेलीविजन की, यानी वक्त है टीआरपी का। आ गया है छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड। इस हफ्ते इस सीरियल्स की टीआरपी में पॉइंट्स भर का उछाल आया है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है भाग्य लक्ष्मी 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर एक कुंडली भाग्य और इमली ने जगह बनाई है 2.0 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर कुमकुम भाग्य, बन्नी चाओ होम डिलीवरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन तीनों सीरियल्स ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, और ये है चाहते 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 2 के बाद बारी आती है नंबर 1 की, और नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा राज कर रही है 3.0 रेटिंग के साथ। भाई आखिरकार हमारी प्रीशा ने ऐसा कर क्या दिया कि एक 80 साल के बूढ़े जो हैं वो इनसे छिपते छुपाते घूम रहे हैं। अब देखिए ना, मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियल ये है चाहते में ये जो बुजुर्ग हैं ये न जाने क्यों प्रीशा के पास भी नहीं भटकना चाहते। आप पहचानिए कौन हूँ मैं, आपको क्या लग रहा है कौन हूँ? अरे सर आप
आप कमाल करते हैं, आप नहीं पहचान रहे मैं कौन हूँ। जरा देखिए देखिए छोटे मियाँ आज कैसे बड़े मियाँ बन गए हैं। अब भी अपनी पत्नी को पाने के लिए, उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए बेचारे रुद्र को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब देखिए उसे अपना रूप बदल कर भी आना पड़ रहा है। वो आया है एकदम खुफिया रास्ते से कुछ पता करने के इरादे से, लेकिन तभी उसे पता चल गया कि प्रिशा भी यही है। मैं थोड़ा खुद डरा हुआ हूँ अभी कि कहीं मुझे लोग पहचान तो नहीं लेंगे ऐसे लुक में। थोड़ा सा होता है ना अंदर एक डर होता है कि यार तुमको तो लग रहा है शायद तुम कौन हो, दूसरे को लगता है कि नहीं लगता वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग मुझे देखेंगे क्या करेंगे, और अचानक से यहाँ पे जो है प्रिशा आ जाती है। बाथरूम के अंदर रुद्र ने खुद को बंद कर लिया है, तो बाहर से प्रिशा दरवाजा ठोक रही है। अब क्या करे, कहां जाए, कैसे प्रिशा से बचे, यही सवाल सता रहा है रुद्र खुराना को। और जरा उसके चेहरे का रंग देखिए ना, कैसे उड़ गया है। तो मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद किया हुआ है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक प्रिशा नहीं जाएगी, और कहीं वो अंदर आ जाएगी तो फिर क्या होगा। अब जिसके पति ने इस बात को मिशन बना लिया हो कि मुझे मेरी पत्नी को वापस पाना है, अरमान के चुंगल से उसे बचाना है, तो भाई ऐसे में भला इस पति को सफलता कैसे नहीं मिलेगी। रुद्र खुराना, कुछ ही दिनों की बात है, आपकी प्रिशा को ना सब याद आ जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि राइटर को ना आगे की कहानी मिल गई है, तो बहुत जल्द रुद्र और प्रिशा नई कहानी के साथ मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है थॉट ऑफ द डे का, और आज जो स्टूडेंट थॉट ऑफ द डे प्रेजेंट करेंगी वो है हमारी आशा नेगी। जो कि मेरा इंस्टा बायो भी है, उसमें भी यही लिखा है। और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि हम कितनी बार खुद को सेल्फ डाउट की वजह से कुछ ट्राई नहीं कर पाते हैं और अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाते हैं। एंड आई फील जैसे कि इसमें लिखा है व्हाट इफ आई फॉल, जो कि हम सबका डर रहता है कि अगर फेल हो गए तो। और फिर लिखा है ओ बट माई डार्लिंग व्हाट इफ यू फ्लाई, बट अगर आप वो लीव ऑफ फेथ नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा। अगर आपने वो लीव ऑफ फेथ लिया और आप फ्लाई कर गए तो यू नेवर नो, सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो या दिस इज समथिंग दैट आई एक्सट्रीमली बिलीव इन एंड आई थिंक वी ऑल शुड। हमें कभी भी खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। मतलब यार अगर हम खुद को पुश नहीं करेंगे, खुद के चीयर लीडर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, राइट। सो या ABP News, आपको रखे आगे।